बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कि जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है उसमें एज कितना मांग रहा है, एज लिमिट कितना मांग रहा है, ठीक है। और दूसरी ये जानने वाले हैं कि जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें एलिजिबल कौन कौन है, डी फार्म एलिजिबल है, बी फार्म एलिजिबल है या फिर एम फार्म एलिजिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक एक करके। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो पोस्ट की वैकेंसी निकली थी इसमें जो मिनिमम एज है, ये नया वाला जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें एज को लेके कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है। मतलब कि पहले वाला जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वही नोटिफिकेशन पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। सेम जो पिछली वाली सारी जो डिटेल्स है पिछली वाली ही रहेगी। ये तो सिर्फ हाई कोर्ट से जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जिन लोग रजिस्ट्रेशन में फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो अनरजिस्टर्ड जो है उनके अप्लाई करने के लिए इस सॉफ्टवेयर में संशोधन किया गया था। तो अभी तक इसमें कोई चेंजिंग ऐसा नहीं आया हुआ है, जो पिछला अपडेट है वही अपडेट रहेगा। जो पिछली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में जो मिनिमम एज है 1/8/2019 को आपका जो नॉर्मल एज है मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। इसके बाद अधिकतम उम्र 37 साल, अनारक्षित महिला का 40 साल, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का महिला में 40 और अनुसूचित जनजाति जाति में 42 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए। इसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि 1/8/2019 को आपका उम्र जो है वो 21 साल होना चाहिए, अभी तक यही अपडेट आई है। दूसरा हम जानते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो ये है न्यू जो नोटिफिकेशन आई उसकी, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्म और एम फार्म, शैक्षणिक योग्यताधारी सभी अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 6/7 से 21/7 तक टाइम दिया जाएगा। मीन्स कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए बी फार्म और एम फार्म तीनों एलिजिबल हैं, तीनों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके माइंड में कुछ जो डाउट थी उसकी आंसर। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, मैं उस पर आपका जो आंसर होगा उसका सॉरी आपका जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर दूंगा। और हमारे चैनल से जुड़े, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन डी फार्म बी फार्म रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस पर मैं देते रहता हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।